मुंबई का धारावी, जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, वो लगभग 2 वर्ग किलोमीटर में फैली है और तकरीबन 12 लाख लोगों के रहन बसेरे वाला ये स्लम मुंबई के वित्तीय केंद्र से महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित है। ये मुंबई का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर यानी निर्माण केंद्र भी है। धारावी में बहुत सारे लोग फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में और अपना खुद का व्यापार भी करते हैं। यहाँ पर कपड़े भी बनते हैं और प्लास्टिक की रिसाइकलिंग भी की जाती है। आपको यहाँ पर गुजरात से आए हुए कुम्हार भी काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे और उत्तर प्रदेश से आए जरी का काम करने वाले कारीगर भी। चमड़ा और लोहार का काम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा पापड़ बनाने वाले तो आपको हर गली में देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 10,000 से ज्यादा दक्ष कारीगर रहते हैं। हालांकि कुछ अनुमानों के मुताबिक यहाँ की कुल जनसंख्या 10 लाख से भी ऊपर की बताई जाती है। एक छोटे से एरिया में इतनी ज्यादा जनसंख्या आखिर कैसे रहती होगी? यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गुजरती है, आज हम आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी बताएंगे और आपको धारावी के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी जानने को मिलेंगे जो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि हम ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट रोजाना अपने चैनल पर लाते रहते हैं। लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में 12 लाख से ज्यादा लोगों का रहना हैरानी वाली बात नहीं तो और क्या है। लेकिन ऐसा ही कुछ हाल है सपनों के शहर कहे जाने वाले मुंबई के बीच में बसे धारावी का, जो सबसे बड़ा स्लम एरिया है और यहाँ पर रहने वाली जनसंख्या तो इतनी ज्यादा है कि ये कई देशों की जनसंख्या से भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा कठिन है और संघर्षों से भरी पड़ी रहती है। सुबह उठते वक्त ही पहले तो नहाने धोने में संघर्ष। जहाँ पर 1400 लोगों के लिए केवल एक बाथरूम उपलब्ध होने के कारण वहाँ पर बाहर लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। और फिर रात को यहाँ के छोटे छोटे दम घोटू कमरों में सोने का संघर्ष, जहाँ पर खुली और साफ हवा जैसी कोई चीज नहीं होती। बस एक छोटे से कमरे में ही रसोई होती है, वहाँ पर ही बेड और वहीं पर गर्मी व मच्छरों के बीच सोना। और तो और ये लोग छतों पर भी नहीं सो सकते, क्योंकि वो भी सीमेंट से बनी हुई नहीं होती। बल्कि यहाँ पर कई घर तो ऐसे भी हैं जहाँ पर पक्की छत की जगह मात्र लोहे की एक शेड ही डली हुई है। धारावी की बिल्कुल तंग और भीड़ी गलियां, जिसमें अगर किसी के घर के बाहर किसी रिश्तेदार की कोई मोटरसाइकिल भी खड़ी हो जाए तो वहां से गुजरना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत ही हैरत अंगेज बात तो ये है कि इनकी छोटी छोटी गलियों में यहाँ के छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते ही बड़े हो जाते हैं, बस ऐसे ही इसी माहौल में पल बढ़ जाते हैं। और यही गलियां इनके सामाजिक जमावड़े का भी एक कारण बनती हैं, जिससे ज्यादातर लोग यहां पर मिलजुल कर ही रहते हैं और अक्सर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यहां पर साफ सफाई जैसी कोई भी चीज नहीं दिखती, हालांकि पानी, गैस व इलेक्ट्रिसिटी जैसी सुविधाएं तो हर घर में मौजूद है। मगर यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि आपको कहीं भी नजर घुमाने पर कचरे का ढेर ही नजर आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस वक्त आप जो धारावी देख रहे हैं, या फिर आप अगर धारावी में ही रहते हैं, तो भले ही ये कैसे बना और आखिर यहाँ पर इतने ज्यादा लोग क्यों आकर रहने लगे? तो दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल है तो हम आपको बता दें, मुंबई शहर के बीचों बीच मौजूद ये एरिया दरअसल 18वीं सदी में एक आइलैंड हुआ करता था और यहाँ पर कई सारे मछुआरे मछली पकड़ने का काम किया करते थे और मछलियों को पकड़कर इन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वैसे इस आइलैंड का साफ पानी दलदल बनता गया और यही वजह रही कि यहाँ पर एक तो मछली पकड़ने का काम बंद हुआ और जिससे कई लोगों का धंधा भी ठप हो गया। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये रही कि इसके चलते लोगों ने यहाँ पर घर बनाकर रहना शुरू कर दिया, जिस कारण पहले पहले जो लोग यहाँ पर आकर रहने लगे उन्होंने तो बड़े बड़े घर बनाए और काफी जगह को अपने हक में कर लिया। लेकिन जैसे जैसे लोग इस जगह की ओर आकर्षित हुए और जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे सभी घरों का आकार छोटा होता गया और इसी तरह से देखते ही देखते ये खुला धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया बन गया। अपने आरंभ से ही इस पूरे एरिया के लोगों ने मेहनत और लगन से काम किया और अपने पूरे एरिया को इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में विकसित किया। हालांकि इतना ही नहीं, यहाँ के लोग बस फैक्ट्रियों में ही काम करते हैं, बल्कि धारावी के लोग तो इसके अलावा घरेलू स्तर पर हजारों तरह के और भी अन्य कामों को करने में दिलचस्पी रखते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों से लेकर नए तरह के रंग बिरंगे अतरंगी कपड़े सिलना, गारमेंट्स, लेदर और स्ट्रीट फूड के अलावा कचरे में फेंकी हुई सिर्फ एक ही बार उपयोग की गई चीजों को दोबारा उपयोग लायक बनाने जैसे और भी कई अन्य काम आदि यहाँ के लोग करते हैं।
इतना ही नहीं, धारावी के ये लोग अपने चमड़ा उत्पाद और ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स को पूरे यूरोप और इसी के साथ अमेरिका जैसे और भी अन्य बड़े शहरों में भी निर्यात करते हैं। और इसी तरह से धारावी $1.6 बिलियन वार्षिक कारोबार के साथ भारत की अर्थव्यवस्था में अपना बहुत ही बड़ा और बहुत ही बहुमूल्य योगदान देता आ रहा है। यही चीज धारावी को दुनिया के सबसे अमीर झुग्गी बस्तियों में से एक बनाती है। इसके अलावा धारावी को इसका 69% साक्षरता दर दुनिया के सबसे पढ़े लिखे स्लम एरिया और भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्लम एरिया भी बना देता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई को काफी ज्यादा महत्व देते हैं। और इसी के चलते आपको धारावी की इन बेटियों की ये बात जानकर काफी हैरानी भी होगी और इनको शाबाशी देने का मन भी करेगा। दरअसल दोस्तों, साल 2016 में यहाँ पर रहने वाली मात्र 12 से 14 साल की कुछ जीनियस लड़कियों ने 3 अलग अलग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाए। इनमें से पहली एप्लीकेशन पढ़ाई है मेरा हक नाम की है। ये एक लर्निंग एप्लीकेशन है। बता दें, इस एप्लीकेशन के जरिए लोग इंग्लिश, हिंदी और गणित की कुछ बेसिक पढ़ाई के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि कई बच्चों जो पढ़ाई में कमजोर हैं या फिर उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनके लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा सहायक है और अच्छी तरह से आसान तरीके से आसान भाषा में उनको समझाने के लिए कारगर साबित होती है। और जो दूसरी एप्लीकेशन है उसका नाम है विमेन फाइट बैक, और ये एप्लीकेशन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। और जो अंत में तीसरी एप्लीकेशन है वो धारावी के सभी लोगों के लिए न केवल बहुत ही मददगार साबित हुई, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को लगभग उनकी जिंदगी से छूमंतर कर दिया। दरअसल दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है पानी है जीवन, जो कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच पानी से संबंधित समस्याओं को दूर करने व पानी को लेकर लोगों के बीच लंबी कतारों और उसके बाद होने वाली धक्का मुक्की मारामारी को खत्म करने के लिए खास कर बनाई गई। दरअसल इस एप्लीकेशन का काम ये है कि जब भी नल के अंदर पानी आता है तभी अपने रजिस्टर्ड यूजर्स को एक संदेश भेज देती है, जिस कारण लोगों को ये पता चल जाता है कि अब नल में पानी आ चुका है। और इसी वजह से लोगों का काफी समय भी बच जाता है, क्योंकि जब ये एप्लीकेशन नहीं था सब लोग एक ही नल पर घंटों घंटों खड़े रहते थे और पानी का इंतजार करते रहते थे, जिस कारण उनका काफी समय बर्बाद हो जाता था। तो दोस्तों, ये था धारावी। हमें उम्मीद है धारावी के बारे में ये सब बातें जानकर आपको इसमें से कुछ नया सीखने, इस वीडियो में कुछ नया देखने और कुछ नया जानने को मिला होगा। हालांकि धारावी की ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, इसलिए हर बार की तरह नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी, आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।